भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी हालात में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारें किसानों की जमीनें जबरदस्ती नहीं ले सकती। देश के किसानों को एकजुट होकर प्रदेश और केंद्र सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। शनिवार को बाराबंकी की नगर पालिका परिषद में भारतीय किसान यूनियन की मंडल समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत समेत भाकियू के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में बोलते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसानों की फसल एक है, तो बिजली और खादों के दाम अलग अलग क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 14 दिनों में गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान कर्जे में पूरी तरह से डूबा है। जब तक देश में राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनाई जाती, तब तक किसानों का भला होने वाला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान आयोग के गठन के साथ ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार को अगर किसान की जमीन लेनी है तो उसकी सहमति से लेनी पड़ेगी। सरकार भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत किसानों को उचित मुआवजा दे, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, वह किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती। टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। जो है ये समीक्षाएं हैं और ये पूरे मंडल की है, जो फैजाबाद मंडल है इसमें सब जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वे सिर्फ पदाधिकारी हैं। और ये है कि जो हमारे 23 सितंबर से जो एक पदयात्रा हरिद्वार से शुरू होगी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत घाट से यात्रा शुरू होगी और दिल्ली के पार्लियामेंट तक हो जाएगी 2 अक्टूबर को, उसके संबंध में है पूरी समीक्षा बैठक चलती है, कितने लोग कहाँ कहाँ से जाएंगे, क्या उसकी गाइडलाइंस होगी, ये सारे इशू इन लोगों को यहाँ पर बताए जाएंगे और वो एक बड़ी संख्या में लोग उसमें जाएंगे। 5 के करीब उसके बड़े इशू हैं देश में, जो अभी ज्वलनशील जो इशू आज देश में है, जो हॉट इशू है वो है कर्जा माफी का, कि पूरे देश का कर्जा माफ हो, ये हमने कहा है। दूसरा ये कहा है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, C2+50 वाला जो फार्मूला है उसको सरकार लागू करें, वो इनके घोषणा पत्र में भी था और उसको लागू नहीं कर रहे। वो है फसल बीमा योजना का है कि किसानों को लाभ नहीं मिल पाता उसका। वो है 10 साल पुराने जो ट्रैक्टरों को ये बंद कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। ट्रैक्टर और जो पंपिंग सेट है जो किसान खेत में यूज करता है, और वो पार्लियामेंट में भी 3 दिन पहले एक क्वेश्चन उठा है पार्लियामेंट में भी कि उन ट्रैक्टरों को बंद ना करा जाए। हमने कहा कि या तो कानून बदलो या ट्रैक्टर बदलो, तो उसके साथ में हम लोग जा रहे। फसलों के रेट का सवाल है, ये सारे इशू हैं, इन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। और अभी जो विवाद हो रहा है भूमि अधिग्रहण को लेकर, जेवर में जो हवाई अड्डा